वेलकम टू माय चैनल टॉप टेक्नोलॉजी। टॉप टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और वो है किसी भी फाइल को किस तरह से पासवर्ड डाल के हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका फाइल सुरक्षित रह सके, सिर्फ और सिर्फ आप उसको ओपन कर सकें। और इतना ही नहीं, किस तरह से पासवर्ड को हम लोग डाल सकते हैं, किस तरह से पासवर्ड को बदल सकते हैं, और किस तरह से फाइल के पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इन सारे विषयों पर आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और अक्सर एग्जामिनेशन में जब टाइपिंग का एग्जामिनेशन होता है या फिर जब आपका कंप्यूटर का प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन होता है, उस समय ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस महत्वपूर्ण टॉपिक को जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, देखें किस तरह से हम लोग पासवर्ड डाल के अपने फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एमएस वर्ड के फाइल को प्रोटेक्ट करना, किस तरह से हम पासवर्ड डाल के अपने फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति हमारे फाइल को ओपन ना कर सके, और हमारा जो सिक्योरिटी है वो मजबूत बना रहे। तो फाइल में पासवर्ड डालने का दो प्रोसेस है। पहला तो है जिस समय कि हम फाइल को सेव करते हैं उसी समय हम पासवर्ड डाल सकते हैं। तो चलिए इस फाइल में पहले हम कुछ लिखते हैं। लिखने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ मैं मेहनत नहीं करूँगा। हमने पहले भी बताया था फंक्शन इक्वल टू रेंज RANG रेंज ब्रैकेट 3.5 ब्रैकेट को हमने बंद किया। ये हमारे पास कुछ डिफॉल्ट टेक्स्ट आ गया। अब इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के लिए ऑफिस बटन को क्लिक करेंगे, इसी में आपको कमांड मिल जाएगा सेव। या तो हम लोग ऑफिस बटन को क्लिक करके सेव को क्लिक कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल प्लस एस दबा सकते हैं। कंट्रोल प्लस एस दबा देने के बाद भी हमारा ये डायलॉग बॉक्स आता है सेव एज का। इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पासवर्ड डालने से पहले यहाँ फाइल का नाम इनपुट कर देंगे। अभी हमने फाइल का नाम डाला है प्रोटेक्ट योर डॉक्यूमेंट विथ पासवर्ड। अब इस फाइल में अगर हम लोकेशन चेंज करना चाहें फाइल का, तो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव में कहीं पे भी रख सकते हैं, किसी भी फोल्डर में रख सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फाइल सेव होता है डॉक्यूमेंट फोल्डर में। आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट दिया हुआ है डॉक्यूमेंट फोल्डर में। इसके बाद हम टूल्स को क्लिक करेंगे। टूल्स को क्लिक करने के बाद एक पुल डाउन मेनू आता है। इस मेनू में एक ऑप्शन दिया हुआ है जनरल ऑप्शन। अब इसमें जनरल ऑप्शन को क्लिक करूँगा। जनरल ऑप्शन को क्लिक करने के बाद जनरल ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे दो तरह का पासवर्ड पुट करने का सिस्टम बना हुआ है। एक है पासवर्ड टू ओपन, दूसरा है पासवर्ड टू मॉडिफाई। तो पासवर्ड टू ओपन में अगर हम सिर्फ पासवर्ड डालेंगे तो उस फाइल को कोई ओपन नहीं कर सकता है, और यदि हम पासवर्ड टू मॉडिफाई में डालेंगे तो उस फाइल को ओपन तो हो जाएगा लेकिन उस पर किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। डैट मीन्स जस्ट लाइक रीड ओनली बन जाएगा। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, पासवर्ड टू ओपन के लिए हमने कोई भी पासवर्ड डाला, एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई भी अगर देना है तो इसके लिए भी दे सकते हैं। हमने फिर से पासवर्ड डाला, और ये ज़रूरी नहीं कि दोनों सेम पासवर्ड हो, आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसके बाद फिर हमने ओके बटन को क्लिक किया। ओके को क्लिक करने के बाद कंफर्म पासवर्ड का एक डायलॉग बॉक्स आता है। आपसे पूछा जाता है कि आपको कंफर्म करना है पासवर्ड को। फिर हम वही पासवर्ड डाल देंगे जो पहले हम डाल चुके हैं पासवर्ड री इंटर पासवर्ड टू ओपन वाले बॉक्स में, और ओके को क्लिक किए। फिर आ गया हमारे पास री इंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई। फिर पासवर्ड को मॉडिफाई मतलब फाइल को मॉडिफाई करने के लिए हम फिर से पासवर्ड डालेंगे, तो वही पासवर्ड डालेंगे जो हम पहले डाले थे पासवर्ड टू मॉडिफाई में, और ओके को क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर सेव बटन दिया हुआ है, सेव को क्लिक कर देंगे। अब हमारा फाइल सेव भी हो गया और इस फाइल में पासवर्ड भी चला गया। अब इस फाइल को मैं क्लोज करता हूँ, तो ऑफिस बटन को मैं क्लिक किया और यहाँ पे क्लोज दिया हुआ, क्लोज को क्लिक कर दिए, ये हमारा फाइल बंद हो गया। अब इस फाइल को फिर से मैं रीओपन करके दिखाता हूँ। तो ऑफिस बटन को क्लिक करते हैं, ओपन से भी ओपन कर सकते हैं, या फिर प्रोटेक्ट योर डॉक्यूमेंट विद पासवर्ड, यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे भी क्लिक करके डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे हमने क्लिक किया हमसे पूछ रहा है पासवर्ड टू ओपन, मतलब
जो भी हमने पासवर्ड डाले हैं, जब तक इसमें पासवर्ड नहीं डाला जाएगा तब तक आपका फाइल ओपन नहीं हो सकता। तो चूंकि आपने पासवर्ड डाला तो आपके पास पासवर्ड होगा, तो हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाला और ओके को क्लिक किया। फिर यहाँ पे री आ गया, दोबारा आ गया पासवर्ड टू मॉडिफाई, पासवर्ड टू मॉडिफाई वाले बॉक्स में फिर वही पासवर्ड हम डालेंगे जो पासवर्ड पहले डाले थे, एंड ओके को क्लिक किए। जैसे हम ओके को क्लिक किया, अब हमारा ये फाइल ओपन हो गया। इस तरह से हम लोग पासवर्ड को डाल सकते हैं। यदि सपोज कीजिए कि आपको आवश्यकता हो गई पासवर्ड चेंज करने की, तो पासवर्ड चेंज करेंगे कैसे? तो पासवर्ड को चेंज करने के लिए फिर से ऑफिस बटन को क्लिक करेंगे, सेव एज में आना पड़ेगा। इस बार सेव कमांड हमारा मदद नहीं कर सकता, सेव एज में आए, फिर ये हमारा डायलॉग बॉक्स आ गया। फिर यहाँ पे टूल्स में जाएंगे और जनरल ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पे जो पासवर्ड टू ओपन दिया हुआ है, इस पासवर्ड को हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको हमने मिटाया और हम यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर देते हैं। फिर पासवर्ड टू मॉडिफाई को भी अगर चेंज करना है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। हमने चेंज कर दिया दोनों पासवर्ड और ओके। फिर यहाँ पे आया री इंटर पासवर्ड, फिर से वही पुराना वाला सिस्टम है। फिर हमने पासवर्ड डाला, फिर ओके, फिर री इंटर पासवर्ड, फिर हमने पुराना पासवर्ड डाला एंड ओके, और ये इसको सेव कर देंगे। अब हमारा पासवर्ड चेंज हो गया। चेक करने के लिए ऑफिस बटन को क्लिक कीजिए, फाइल को क्लोज करिए, फिर से पासवर्ड फाइल को ओपन करेंगे, प्रोटेक्ट योर डॉक्यूमेंट विद पासवर्ड यहाँ पे आ गया। फिर से हमको डालना पड़ेगा पासवर्ड, यदि सही पासवर्ड डाले तो ठीक है, अगर गलत पासवर्ड हम डाल देंगे तो फाइल हमारा ओपन नहीं होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमने गलत पासवर्ड डाला था, द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, व्हाट कैन नॉट ओपन द डॉक्यूमेंट, पासवर्ड गलत था इसलिए ओपन नहीं हुआ। फिर से हम देखते हैं, इस बार हम सही पासवर्ड डाल रहे हैं एंड ओके। इस तरह से अब हमारा फाइल ओपन हो जाएगा। फिर हमने री इंटर किया करेक्ट पासवर्ड और ओके, इस तरह से हमारा पासवर्ड ओपन हो गया। यदि आप चाहते हैं कि हम फाइल में पासवर्ड जो डाले हैं उस पासवर्ड को रखना ही नहीं है, पासवर्ड को रिमूव कर देना है, हटा देना है, तो उसके लिए भी हमको ऑफिस बटन को क्लिक करेंगे, सेव एज में आएंगे। सेव एज को क्लिक करने के बाद फिर डायलॉग बॉक्स आ गया, टूल्स में जाएंगे, जनरल ऑप्शन को क्लिक किए और यहाँ से पासवर्ड को हम डिलीट करते हैं। ये भी डिलीट हो गया और मॉडिफाई वाला भी डिलीट हो गया, ओपन मॉडिफाई दोनों डिलीट हो गया एंड ओके। फिर हमसे सेव को क्लिक कर देंगे। अब इस बार हमारा पासवर्ड प्रोटेक्शन रिमूव हो गया। अब इस फाइल को हम क्लोज करते हैं, ये फाइल मेरा क्लोज हो गया, और फिर से ओपन करके आपको दिखाते हैं। प्रोटेक्ट योर डॉक्यूमेंट विद पासवर्ड को ओपन किए, इस बार देखिए डायरेक्टली मेरा फाइल ओपन हो गया, इस बार किसी तरह का कोई पासवर्ड का डिमांड नहीं किया। तो इस तरह से इस सेशन में आज हम लोगों ने जाना किसी भी फाइल में पासवर्ड डालना और फिर उसके पासवर्ड को चेंज करना और साथ ही साथ पासवर्ड को रिमूव करना भी। इतना ध्यान रहे, जब हम नया फाइल बनाते हैं उस समय सेव करते वक्त ही पासवर्ड डाल देते हैं। यदि कोई फाइल हमारा पहले से बना हुआ है और उस फाइल में हमको पासवर्ड डालना है तो उस कंडीशन में सेव कमांड हमारी मदद नहीं करेगा, उसके लिए हमको सेव एज के पास जाना पड़ेगा, सेव एज कमांड का यूज करना पड़ेगा। अब हम चले आए सेव एज में, सेव एज को क्लिक किए तो डायलॉग बॉक्स आ गया, डायलॉग बॉक्स आ गया तो वही पुराना वाला सारा सिस्टम रहेगा, जनरल ऑप्शन, पासवर्ड डाल देंगे ओके, फिर पासवर्ड डाल दिए, फिर ओके और सेव। इस बार जो हम पासवर्ड डाले हैं तो सिर्फ और सिर्फ फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड डाले हैं, इस बार मॉडिफिकेशन के लिए पासवर्ड मैंने नहीं डाला। अब मैं फिर से इसको क्लोज करूंगा, क्लोज हो गया, फिर से ओपन करके चेक करूंगा, ओपन किया और फिर से वही पासवर्ड जो करेक्ट है उसको हम डाले और ओके को क्लिक कर दिए। अब आप देखिए आपका फाइल खुल गया। इससे क्या हो गया ना कि अब आपका फाइल में पासवर्ड जो था वो आ गया, अब ये फिर से हमारा फाइल प्रोटेक्ट हो गया। तो इस सेशन में हमने सीखा किस तरह से नए फाइल में पासवर्ड डाल सकते हैं, किस तरह से हम पुराने फाइल में पासवर्ड डाल सकते हैं, पासवर्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ पासवर्ड को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ सीखते रहें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड।